आजादी जी, वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आज आपके इस बुध फॉर्म को मैं एनालाइज करेंगे और आपके भविष्य फल के बारे में जानेंगे। देखो, अगर आप तप करते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है, अगर आप पुरुषार्थ करते हैं तो आपको राज्य और ऐश्वर्य मिलता है। उसी तरीके से आप अगर सेवा करते हैं तो आपको अनुराग और वैराग्य की प्राप्ति होती है। इसी तरीके से आपके जीवन में भी जब भी जिस भी स्तर पर आप जिस प्रकार का त्याग करेंगे, जिस प्रकार का तप क्या होता है, यानी कि जो भी आप कार्य करते हैं उसमें पूर्णता देना, उसको 100% करना, मनसा वाचा कर्मणा, मन से कर्म से वचन से, किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई त्रुटि न रहे, वही कार्य तप हो जाता है और वो कार्य सिद्ध होता ही होता है। तो आप जिस भी कार्य में अपना 100% देंगे उसमें आप सफल होंगे। 3 तरीकों से, अलग अलग माध्यमों से आपके जीवन में धन की स्थिति बनेगी। जीवन के शुरुआती दौर में अपने विरासत को समृद्ध करके आप आर्थिक तौर पे उन्नति को प्राप्त करेंगे। तदुपरांत आप अपने जीवन में भारतीय सैन्य सेवा में अपने पराक्रम को दिखा के, सेवा दे के अपने जीवन को समृद्ध करने की स्थिति में आएंगे। तत्पश्चात अपने जीवन के 3रे पड़ाव में व्यवसायिक गतिविधियों के द्वारा आप अपने जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाने का कार्य करेंगे और हर एक तरीके से आप पूर्णता के साथ अपना 100% दे पाने के कारण अपने जीवन को बेहतरीन स्थिति तक और संतुष्टि की स्थिति तक पहुंचा पाने में सफल होंगे। इस जीवन यात्रा में आपको किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ेगा, परिस्थितियां किस प्रकार से आपके जीवन को घेरेंगी, किस प्रकार से आपके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगी, इन सब के विषय में अभी हम प्रकाश डाल रहे हैं। आप राइट हैंडेड पर्सन हैं, आपके बाएं हाथ से हम शुरुआत करेंगे, जहां से आपकी डेस्टिनी के विषय में हम समझने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम जो आपकी मणिबंध की रेखाओं की स्थिति है, जो कि यहां पर पूर्णतः धनुषाकार स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश कर रही है, ये काफी सुंदर है। जब भी ऐसी स्थिति किसी भी पुरुष की हथेली में बनती है तो उसके लिए पूर्णतः विकास की स्थिति को प्रदर्शित करने का कार्य करती है। जीवन में हर एक माध्यमों में हर एक तरीके से सौम्यता आने की स्थिति पैदा होती है, प्राकर्म की स्थिति पैदा होती है और व्यक्ति जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों को अनायास ही पार करता चला जाता है। आपका आर्थिक पक्ष, आपका सामाजिक पक्ष और आपका आंतरिक पक्ष तीनों यहाँ पर सुस्पष्ट और बेहतरीन मजबूती के साथ आगे की तरफ बढ़ता होता है। जैसे कि आपकी प्रथम रेखा से स्पष्ट है कि जीवन शक्ति यानी कि व्यक्ति के अंदर जीवटता की कोई कमी नहीं होगी। किसी भी प्रकार से व्यक्ति किसी भी कार्य को अगर अपने हाथ में लेगा तो पूर्ण रूप से उसे पूरा करके ही दम लेगा, कहीं से भी पीछे नहीं हटेगा, अपने कार्य में न जल्दीबाजी करेगा न ही बहुत देर करेगा, सही समय पर सही कार्य को सही तरीके से पूरा करने का माध्यम है, साहस है और गुण है जो जातक को विशेष बनाने का काम करता है। इसके अलावा द्वितीय रेखा से, जिससे आपके धन और सुख की स्थिति, चूंकि संयुक्त रेखा है, हम जानने की कोशिश करेंगे, इन दोनों की स्थिति काफी सुंदर है और आपको काफी बेहतर और सरल इंसान बनाता है, सम परिस्थितियों में रहने वाला इंसान बनाता है। सरलता आपके अंदर काफी अच्छी मात्रा में यहां पर भरी पड़ी है और इस कारण क्या है कि जीवन में शांति की स्थिति आपके लिए बन पड़ी है। इसके अलावा संभावना, कहीं भी किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी संस्था के साथ कोई भी बच्चा आ जाए, अपने घर का या बाहर का, उसके साथ आप एक नजर से देखने की जो स्थिति है ये आपको और भी ज्यादा सुंदर बनाने का कार्य करती है। ठीक है, तो ये परिस्थिति आपके साथ ऐसे ही हमेशा बनी रहने की का काम करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यक्ति के जीवन में और किस प्रकार के योगों का निर्माण हो रहा है, तो वैराग्य के योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि व्यक्ति अपने जीवन के कुछ अंतिम वर्षों में इन्हें प्राप्त करने के लिए उद्यत होगा। हालांकि प्राप्ति किस प्रकार से होगी इसे हम गौण रखते हैं, क्योंकि कुछ चीजों की अपनी मर्यादा होती है, उसके आगे जाना निश्चित तौर पे जातक के हित में नहीं होता। अब हम चलेंगे ऊपर के क्षेत्रों में और जानेंगे पर्वत क्षेत्रों के संबंध में। पर्वत क्षेत्रों में सबसे पहले बात करेंगे हम गुरु के इस पर्वत क्षेत्र की, कैसी परिस्थिति है और किस प्रकार से आपके हित में कार्य कर रही है। गुरु का यह पर्वत क्षेत्र पूर्णतया उन्नत स्थिति में है, जो कि जातक के एक बेहतर भविष्य को दर्शाने का काम करता है और व्यक्ति के प्रारब्ध को भी दर्शाने का कार्य करता है, जो कि काफी उन्नत और काफी समृद्ध है। इससे क्या होगा कि जातक जन्म जन्मांतर के चक्कर से अपने लिए काफी सुनहरे और सुंदर भाग्य को लेके आया है, जिस कारण जीवन प्रयत्न जातक अपने कार्यों में व्यस्त रहेगा, कार्यों में सफलता को प्राप्त करेगा और दिन दोगुनी रात चौगुनी समृद्धि, साहस और प्रशंसा को प्राप्त करने का अधिकारी बनता चला जाएगा। जातक विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक गतिविधियों
नौकरियों में भी सफल होने के यहाँ पर पूर्णतः उम्मीद रखता है और उन चीज़ों को प्राप्त करके ही दम लेगा। जातक गणित में विधिवत शिक्षा ग्रहण करेगा और उसके काफ़ी बारीक जानकारियाँ प्राप्त करेगा। इसके अलावा जातक विरासत को काफ़ी समृद्ध करने का काम करेगा और विरासत के तौर पर उसे काफ़ी बेहतर प्रॉपर्टी की यहाँ पर प्राप्ति स्पष्ट तौर पर हुई है और आगे भी इसे और भी ज़्यादा बेहतर स्थिति तक पहुँचा पाने में जातक सक्षम होंगे। जातक को अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने इनसे जो भी सीनियर होंगे, जहाँ भी होंगे वहाँ पर इनका सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आपको शासन से प्रशस्ति की प्राप्ति यहाँ पर निश्चित है, यानी कि जो भी राज्य होता है या देश होता है या घर में भी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन सबसे आपको प्रशंसा के अधिकारी जातक होते हैं और पुरस्कार के अधिकारी होते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी मात्रा में धन की स्थिति बनेगी। जातक का भाग्य तो 16 वर्ष की उम्र से ही हो चुका है, इसलिए जातक वहाँ पर एक्टिव है और जातक की ये अवस्था मृत्यु पर्यंत तक रहेगी, यानी जातक कभी रिटायर होने वाले नहीं हैं और जातक को हमेशा कुछ ना कुछ कार्य में संलग्न रहेंगे, कभी आराम से नहीं बैठेंगे और इसी में इनका जीवन है। जिस दिन भी आपने अपने हाथ पैर समेट लिए, समझ लो कि आपकी वास्तविकता में आपकी मृत्यु उसी दिन हो जाएगी, क्योंकि आप समेट के बैठने के लिए आप आए ही नहीं हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जातक के शनि के क्षेत्र की, तो शनि का क्षेत्र जातक का सबसे उत्तम क्षेत्र है, जो कि काफी बलवान है। इतना बलवान है कि इसने जातक को कभी भी हार का मुंह नहीं देखने देना है। जातक की कैसी भी परिस्थितियां मुश्किल आ जाए उससे बाल बाल बचा के बाहर की तरफ ले जाएगा और जातक को अभय दान देने का काम किया है अब तक और आगे भी करता रहेगा। विभिन्न प्रकार के युद्ध की स्थिति में, विभिन्न प्रकार के ऐसी मुश्किल स्थिति में जिसमें पराक्रम दिखाने की आवश्यकता हो, जातक पूर्ण तौर पर अपना पराक्रम दिखाएगा और अपने दुश्मनों पर भारी पड़ेगा, मुश्किलों पर भारी पड़ेगा और जीवन को फिर से सामान्य स्थिति तक की तरफ ले आ पाने में सक्षम हो जाएगा। जातक एक बड़े वर्ग की रक्षा कर पाने में भी सक्षम होगा और जातक लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने में भी सक्षम होगा, लेकिन जातक के साथ कुछ पीड़ा हमेशा चलेंगी, जिसमें खासकर है स्त्री संबंधित जो पीड़ा है वो जातक के साथ हमेशा एक चलती रहेगी, एक टीस रहेगी, क्योंकि स्त्री पक्ष से जातक के लिए नुकसान के योग यहाँ पर स्पष्ट तौर पे है और वो नुकसान जातक को मानसिक तौर पर और आर्थिक तौर पर नुकसान देने का काम करेगा। जातक निजी तौर पर अपने जीवन में कभी भी कोई भी लूज होल, लूज पॉइंट नहीं छोड़ पाएगा और लगातार समृद्धि की तरफ बढ़ता चला जाएगा। जातक को कुछ खास कर्म हमेशा करने चाहिए। जातक को कभी भी अपनी जटा नहीं बढ़ानी चाहिए, यानी कि अपने बालों को बहुत ज़्यादा बिल्कुल ना बढ़ाएं, जितना ज़्यादा हो सके जातक को अपने बालों को महीन रखना चाहिए। जहाँ भी आप रहें समी वृक्ष निश्चित तौर पर लगाएं, ये लगाना आपके हित में रहेगा, आपके लिए कार्य करेगा। इसके अलावा रोज जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर कुत्तों को अगर आप अपने भोजन का अंतिम निवाला जो कि आपने छोड़ दिया हो उस निवाला को देने की स्थिति अगर आप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी उत्तम योगों का निर्माण होगा। इसके अलावा जातक को किसी न किसी संप्रदाय के साथ अपने को जोड़ना चाहिए जहाँ भी उनकी इच्छा होती है और इसके अलावा जो भी जिस भी मत को मानते हो और जो भी उनके इष्ट देव हो उनकी नित्य प्रार्थना जातक के हित में यहाँ पर काम करेगी, क्योंकि ये आत्मबल को बढ़ाने का काम करेगी और जातक को सही तरीके से आगे विकासोन्मुख की तरफ बढ़ाने का काम करेगी और विकास की तरफ जातक के लिए जातक की प्रतिबद्धता को सुस्पष्ट करने का काम करेगी। तो ये जातक के लिए काफ़ी अच्छा होगा और शनि का क्षेत्र आपको आर्थिक तौर पे काफ़ी बेहतरीन दशा को देने का काम करेगा और एक लंबी आयु देने का विष्णु ने काम किया है और पराक्रम भी दिखा पाने की स्थिति आपके लिए यहाँ पर बन पड़ी है। तो आप पूर्णता के साथ अपना काम हमेशा करते रहें, कभी भी न घबराएं, क्योंकि वर्तमान में जो आपका सवाल था कि फिलहाल चीज़ें थोड़ी सी डावाडोल हो रही है मानसिक स्तर पर, तो बिल्कुल भी ना घबराएं। कभी कभी कुछ संक्रमण काल ऐसे होते हैं जिस समय परिस्थिति आपके विपरीत हो जाती है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। 26 मई के बाद से परिस्थितियां फिर से आपके लिए पहले जैसी हो जाएंगी। उससे पहले कुछ स्थिति ऐसी आएगी जिसमें और भी कुछ मुश्किलें आपकी तरफ बढ़ेंगी, जिसमें कुछ एलिगेशन आप पर लग सकते हैं, इल्जाम लग सकते हैं, लेकिन पूरी सच्चाई के साथ जो चीज़ें हैं बस उसी पर आप अड़े रहना, आप बड़ी बिल्कुल हो जाओगे, इनफैक्ट कि आप पहले से और ज़्यादा निखर के सामने आओगे। ठीक है, बस जो बोला है ना 27 मई को भी वही सुन लेना, ठीक है 28 को भी वही सुन लेना, सब चीज़ आपके लिए वहाँ पर सुस्पष्ट हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं आपके सूर्य के क्षेत्र के। सूर्य आपका गौण है,
कमजोर है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी काफ़ी मजबूत है और इसके कारण आपको श्रेय सफलता देने की स्थिति में एक काफ़ी आगे तक गया है। भारतीय सैन्य सेवा में एक ऑफिसर रैंक में आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं और पूर्णतया इस निर्वहन में आप सफल होंगे और एक बेहतर कैडेट के रूप में और एक बेहतर सैन्यकर्मी के रूप में आप अपने आप को स्थापित करके बरसों तक दूसरों के लिए प्रेरणा का काम करते रहेंगे। इसमें कहीं से भी किसी प्रकार की कोई भी लेस मात्र भी शंका की स्थिति नहीं बन पड़ी है। इसके अलावा जहाँ तक भविष्य में अगर आते हैं तो भविष्य में विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में भी अपनी सफलता को लेकर बिल्कुल आशान्वित रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ भी सफलता आपके लिए उसी प्रकार से काम करेंगी। जहाँ तक को सूर्य से संबंधित कुछ उपाय करने चाहिए, क्योंकि सूर्य के साथ क्या है कि सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं जाके चीज़ें रुक रही हैं, यानी कि एक ऐसा स्तर है जहाँ जाके चीज़ें उसके आगे बढ़ नहीं रही हैं। यानी कि एक होती है ना कि एक सफलता मिल गई और एक ऐसी सफलता मिली जिसका ढोल ढिंढोरा पीटा गया, तो उस मामले में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। इस कमी का कारण क्या है, इसको आपको आपके अंदर खोजना चाहिए, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि कई दफ़े आपने अपनी चीज़ों को अपने स्तर से कम कर दिया है। जो चीज़ें आगे तक जाने का मादा रखती थी, आगे तक जा रही थी, उन चीज़ों को आपने एक स्तर पर जाके रोक दिया है, तो स्थिति उत्तम नहीं है। आपको उसके संबंधित सूर्य से संबंधित कुछ उपाय हैं जो मैं आपको कहूँगा करना चाहिए, उसके बाद आपकी तरफ से जो फोर्स लगना था वो नहीं लगाना पड़ेगा, स्वमेव वो चीज़ें अपने आप ऊर्जा लगनी शुरू हो जाएंगी और आप इस प्रकार के जो एक ऐसी होती है ना कि लज्जा होती है, उससे आप बच जाएंगे। इसके अलावा आपके बुध के क्षेत्र के देखें तो यहाँ पर जो है सो जातक के बुद्धि विवेक की स्थिति काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सही तरीके से निर्णय ले पाने की क्षमता आपको काफ़ी बेहतरीन इंसान बनाने का और कार्यकर्ता बनाने का काम करती है, जो कि आपके जीवन में हमेशा उन्नति का मार्ग आपके लिए प्रशस्त करने का काम कर रही है। साथ ही वैवाहिक जीवन आपके लिए सामान्य स्थिति में है, लेकिन वैवाहिक जीवन ने आपको काफ़ी कुछ कड़वे अनुभव भी यहाँ पर करवाए हैं। हालाँकि आपका वैवाहिक जीवन इसी प्रकार से बना रहेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आप अपने जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन आप करते ही रहेंगे। इसके अलावा संतान पक्ष की अगर बात करें तो आपके लिए संतान पक्ष में, जैसा कि आपने बताया कि संतान पक्ष के बारे में सिर्फ जानना है, तो आपके लिए बस एक पुत्र के योग ही यहाँ पर है, ठीक है, जिसकी कि आपको प्राप्ति होनी है। इसके अलावा और किसी प्रकार के पुत्र के योग आपके लिए यहाँ पर नहीं बन रहे। हालांकि पुत्र आपका यशस्वी होगा और आपके नाम को, कुल को, मर्यादा को और उसकी इज्जत को बढ़ाने का काम करेगा और संभालने का। इसके अलावा बात हम करेंगे आपके मंगल के क्षेत्र की, कैसी है। मंगल का क्षेत्र काफ़ी पराक्रमी है, काफ़ी सुंदर है और विभिन्न प्रकार के जो शुभ चिन्ह होते हैं उनसे यहाँ पर सुशोभित है। ऐसी परिस्थिति जब भी आपके लिए बनती है, आपके जीवन में पराक्रम बाहुबल की वृद्धि होती है और जातक विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य को भोगता है अपने संसार में, विभिन्न प्रकार के मुश्किल क्षणों से अपने आप को दूर करता है और बाल बाल बच के अपने जीवन को समृद्धि की दिशा की तरफ बढ़ाते हुए ले जाता है। आप अगर किसी के लिए कुछ कर देंगे तो सामान्य तौर पे उसके लिए प्रथम रूप से वो काम नहीं करेगा, उसका कोई भी भला नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो व्यक्ति दिल से और बिल्कुल सच्चे मन से आपके प्रति आस्था रखता है तो आप जो भी उसके लिए करेंगे उसमें वो सफल हो जाएगा। लेकिन इसी से आप लोगों की पहचान भी कर सकते हैं। आप किसी के लिए कुछ करके देखो, अगर नहीं हो ना तो आप पता कर लेना आगे पीछे किसी से भी, आपके लिए उसके मन में वैमनस्य भरा होगा, जहर भरा होगा, तभी उसका कभी भी कुछ ही बेरा पार नहीं हो पाएगा, चाहे आप सब कुछ भूल के कितना भी करें। लेकिन जो आपके प्रति उदार भाव रखता होगा, प्रेम भाव रखता होगा, उसके लिए आप जो भी करेंगे उसको वहाँ पर सफलता की प्राप्ति होगी। द्वितीय मंगल की स्थिति आपकी यहाँ पर उत्तम नहीं है, इस कारण मानसिक तनाव आपके लिए आ रहा है और मानसिक तनाव की जो स्थिति है चंद्र के क्षेत्र से भी जनित है। देखो, स्त्री पक्ष से आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा वहाँ से आपको, और स्त्री पक्ष में भी ज़्यादा नहीं, स्त्री पक्ष में भी कुछ खास जो अपने रिलेशंस में हो उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के मानसिक तनाव देने की स्थिति उनकी तरफ से आपको बनेगी। तो इस मामले को कैसे संभालना है, कैसे समझना है, इस पर जब व्यक्तिगत रूप से आपसे हमारी बात होगी तो उस समय इस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे करना किसी भी तरीके से उपयुक्त नहीं है। तो निजी स्तर पर जब हमारी बात होगी तो इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे और बेहतर तरीके से इसे आप सॉल्व कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। इसके अलावा नीचे की तरफ हम चलते हैं और जानते हैं शुक्र के आपके पर्वत क्षेत्र के विषय में। शुक्र का जो आपका ये पर्वत क्षेत्र है काफ़ी बेहद और काफ़ी बेहतरीन स्थिति में यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बहुत ज़्यादा चकाचौंध, बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य के आप मतलब क्या उसे कहा जाता है कि ऐश्वर्य पाने के इच्छुक नहीं है, भोगी नहीं है आप,
ठीक है, संसार में दो तीन तरीके के लोग होते हैं ना, भोगी होते हैं, कामी होते हैं और एक सबसे परे होते हैं। तो बिल्कुल आप वही परे महात्मा की जैसी स्थिति आपके लिए है। आपके लिए भोग और काम ये दोनों जीवन में महत्व नहीं रखते, आपके लिए तप महत्व रखता है, आपके लिए पुरुषार्थ महत्व रखता है, आपके लिए सेवा महत्व रखता है। तो जब जिसके जीवन में तप हो, जिसके जीवन में पुरुषार्थ हो, जिसके जीवन में सेवा हो, और क्या चाहिए उसके जीवन में। लेकिन इन सब के होते हुए भी मन विचलित हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि सांसारिक जीवन के जो ताप हैं उनसे आप कहीं ना कहीं आच्छादित हैं, आप उनसे बच नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बच पा रहे हैं? ये जो तप है ना, उसको जरा ध्यान में तब्दील करें कुछ ऐसे रूप में जो कि आपको लौकिक और परालौकिक अनुभव देने की शक्ति रखता हो। इस तप को परालौकिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान, दृश्य और अदृश्य जगत के बीच की तरफ आप लेके चले जाए। आप इस बंधन से परे होकर सोचें, आप जो बहिर्मुखी है ना, अंतर्मुखी हो जाए और अंतर्मुखी होकर तप करें। इस जीव आत्मा और स्थूल शरीर के परे निकलने की कोशिश करें और फिर देखें, आपको स्पष्ट हो जाएगा आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, आप क्या हो। फिर आपको पता चलेगा आपके लिए क्या उत्तम है, क्या गलत है। शुक्र के क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, शुक्र का क्षेत्र आपके लिए काफी वैभवशाली है और विरासत की संपत्ति आपके बुढ़ापे के समय में सबसे ज्यादा आपके काम आएगी। विभिन्न प्रकार के, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं और उससे संबंधित व्यवसाय करते हैं, तो ये आपको काफी उन्नति की तरफ ले जाएगा और आपको काफी एक बड़े एम्पायर के रूप में उसे तब्दील कर पाने की क्षमता, आपकी जो विरासत की जो तंतुएं होंगी वो करने का काम करेंगे। मदर्स चिन्ह की उपस्थिति, दो दो दमुखी चिन्ह की उपस्थिति आपके लिए यहाँ पर काफी शुभ है और इस जीवन में आपके लिए काफी समृद्धि के योग को सुस्पष्ट करने का काम करती है, अकाली योग से जातक को बचाने का काम करती है और जातक के लिए समृद्धि के योग के दरवाजों को खोलने का काम करती है, जिससे आप जीवन में अपने कुल की वृद्धि, धन की वृद्धि को निश्चित तौर पर समय समय पर करते रहेंगे और काफी विकासोन्मुख स्थिति को प्राप्त करते रहेंगे। दो बार ऑलरेडी आप विदेश यात्रा कर चुके हैं, आगे भी विदेश यात्रा के छोटे से योग बनेंगे। हालांकि विदेश जाने में आपकी कोई रुचि नहीं होती, लेकिन ये आपके कार्य क्षेत्र में कार्य के कारण की गई यात्रा होगी, इसलिए आपको इससे कोई भी परहेज की स्थिति आपको नहीं करनी चाहिए। आपको मौका मिले जाना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। नशा पान से बचे, नशा आपके जीवन की एक सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिख रही है। राजयोग की स्थिति आपकी हथेली में स्पष्ट तौर पे बनी है, इसका भी लाभ आपके जीवन में मिला है। आर्थिक तौर पे उन्नति आपकी तरफ बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खासकर मानसिक स्वास्थ्य पर, क्योंकि मानसिक रूप से विचलित होना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जहां भी मैं देख रहा हूँ, पारिवारिक समस्या के कारण और पारिवारिक जीवन आपको मानसिक तौर पे काफ़ी उद्वेलित करने का काम कर रही है, जो कि आपके लिए निश्चित तौर पे अनिष्टकारक है और आपके अंदर जितनी क्षमता है ना, जितनी प्रोडक्टिविटी है, उसे कम करने का कार्य कर रही है। एक तरीके से ये आपका नुकसान नहीं है, ये मानव जाति का नुकसान है, इस तरीके से आप सोचें, ठीक है? क्योंकि देखो, मतलब बूंद बूंद से समुद्र भरता है, वैसे ही हर एक दुनिया में जो भी लोग हैं ना, सब काम के हैं। ऐसा सोचते हैं कि अरे भैया, हम जो है सो हमसे मानव जाति को क्या फायदा, क्या नुकसान। बहुत है यार, आप एक गलत काम करते हो, पूरी मानव जाति उसे सुनती है। एक कौन सी वो पाकिस्तानी लड़की ने, ये हमारी गाड़ी, ये हम और ये हमारी पारी हो रही है। अब जितने बैल हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, अब सब यही बोल रहे हैं कि हमारी पारी हो रही है। मतलब किसी को कोई काम नहीं बचा, मतलब इतने गए गुजरे गधे बेशर्म भरे पड़े हैं इस धरती पे। मतलब जितनी गंदी चीजें होती है ना, उसे लोग बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और फॉलो करते हैं, बस वैसी ही चीजें हैं। तो आप कुछ अच्छा करोगे ना, वो भी लोग उसका भी अनुसरण करेंगे, ठीक है? तो उसे करने की कोशिश करनी चाहिए। अब चलो हम बात करते हैं आपकी रेखाओं की, जीवन रेखा की स्थिति आपकी काफ़ी अच्छी है। और जैसे ही आपकी एज 49 से क्रॉस करेगी, विभिन्न प्रकार की शारीरिक बीमारी आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगी, जिसमें डायबिटीज, इसके अलावा गुर्दे से संबंधित रोग आपकी तरफ बढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के आसन प्राणायाम करना आपके लिए यहाँ पर नितांत आवश्यक हो जाता है। देखो, प्रकृति ना, मैं हमेशा कहता हूँ, बिल्कुल जड़ है, ठीक है? और भगवान भक्तवत्सल है। देखते हो, पहले के साधु होते थे, महात्मा होते थे, वो शरीर से भी पुष्ट होते थे, भक्ति भी प्राप्त होती थी, तप में भी निपुण होते थे। आज के महात्माओं को देखो, बहुत सारे, सबको नहीं, कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जिनको देखोगे पूरी बॉडी कहीं कहीं से निकली पड़ी है, तप भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, कैसे भी करें। मतलब प्रकृति ऐसा है ना सरकार,
लाला एकदम बिल्कुल जड़ है, कंप्यूटर है, वो 2+2=4 ही करेगी। यानी कि आप तप करोगे ना तो सिर्फ भक्ति देगी आपको, प्राणायाम करोगे तो शक्ति भी देगी, ठीक है, पुरुषार्थ करोगे तो राज्य भी देगी। यानी जो करोगे वही मिलेगा, हमेशा से यही रहा है। तो एक साधु का जीवन क्या होता है क्या जानो आप, एक गृहस्थ का जीवन क्या होता है क्या जानो आप। पूर्णता जब भी जिस भी आश्रम में आ जाएगी, जिस भी जीवन में आ जाएगी, चाहे गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम, कहीं भी ठाकुर की प्राप्ति हो जाएगी, परम तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, उस निर्गुण की प्राप्ति हो जाएगी, निर्विकार हो जाओगे। उस अवस्था की तरफ बढ़ना चाहिए, आप वहां पर नहीं बढ़ रहे हैं, कमियां आनी शुरू हो गई है। नाली का पानी बाहर कब चला जाता है, जब उसके मुख्य रास्ते में अवरोध पैदा होने लगते हैं। ये अवरोध क्या है, इंद्रिय विषय विकार है, इनसे बचो, आपकी जिंदगी को समृद्ध करेंगे। हालांकि आर्थिक स्वास्थ्य के तौर पे आप कठिनाइयों का सामना करेंगे। इसके अलावा भाग्य की स्थिति यहाँ पर ठीक ठाक है, मानसिक जो असंतोष है उससे बाहर निकलने की कोशिश करें। ठीक, अब हम चलते हैं आपकी दाहिनी हथेली में एंड वहाँ से चीज़ों को जानते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ की जो स्थिति है प्रथम रेखाओं की, ये ठीक ठाक चल रही है। मध्य के क्षेत्र में जो यहाँ पर यव रेखा की स्थिति है आपकी दयनीय तिली में, ये बिल्कुल भी उत्तम नहीं। ये यव रेखा वही रेखा है जिससे इससे आप गुजर रहे हो, और जो आपको सब कुछ ठीक होते हुए भी मानसिक तौर पे काफ़ी उद्वेलित करने का काम कर रही है। सब कुछ ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर शक्ति है, पुरुषार्थ है, लेकिन आपने चीज़ों पर नियंत्रण अपना खो दिया है, पारिवारिक जीवन पर। इस कारण आपका जीवन विषाक्त महसूस हो रहा है, विष फैलता जा रहा है। एक बात बताओ ना, आपने कुत्ते को बेल्ट में पकड़ रखा है, खोल दोगे तो क्या हो जाएगा, कितना वो करेगा गड़बड़, बस वही हाल हो जाती है। आप अपने जीवन को, आपका जीवन जो है ना, अंधेरे और उजाले दोनों पक्षों से मिलके बना है। आप अपने इंद्रियों पर अपना नियंत्रण छोड़ दोगे ना तो सिर्फ उद्धम ही मचाएगी। उसी प्रकार से घर में या बाहर जहां कुछ गलत हो रहा हो ना, और गलत प्रवृत्ति हो रही हो, आपने उसे अगर छोड़ दिया ना तो उद्धम ही मचाएगी, मत छोड़ो। यही कारण है कि आपके लिए समस्या को बढ़ाने का काम कर रहा है। द्वितीय, धन की स्थिति बहुत तेजी से आपके हाथों से निकलती जा रही है, हालांकि उससे ज्यादा तेजी से आ रही है, लेकिन रोक लगाना आवश्यक है। मत्स्य की स्थिति यहां पर सुस्पष्ट है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, और आपकी कुल वृद्धि के लिए और धन वृद्धि के लिए बहुत ही उपयुक्त है। विरासत को भी समृद्ध करने का काम कर रही है, और आने वाली पीढ़ियां बहुत ही बेहतरीन होने जा रही है। आपके लिए यहाँ का मत्स्य बहुत ही सुंदर है। और देखो, विभिन्न प्रकार के अगर मोटर वाहन और इसके अलावा गाड़ियों से संबंधित अगर आप काम करते हैं, ट्रैवल एजेंट से संबंधित अगर चीज़ों के एक और ग्रुप को आप अगर बढ़ाते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी यहाँ पर लाभ है। उन चीज़ों को निश्चित तौर पर आप करें, आपको काफ़ी लाभ के योग बनेंगे और धन समृद्धि आपके लिए बनेगी। आपके अंगूठे के इस मध्य के क्षेत्र में देखो यहाँ की स्थिति कैसी हो रखी है। यहाँ पर बहुत सारे क्रॉस की जो स्थिति बन रही है, ये सब आपकी समृद्धि का कारण यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार से शरीर पर आपके कई जख्म होंगे और कई एक्सीडेंट की स्थिति आपके जीवन में बनेगी। इस पर थोड़ा सा सावधान रहना, ठीक है, हालांकि अब एक दो ही बचे हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी सावधान रहना। होगा कुछ नहीं लेकिन पीड़ा तो होगी ना, शरीर में कट्स आएंगे। तो गुरु की स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए काफ़ी समृद्ध है, काफ़ी सही तरीके से चल रही है। कोई ना कोई ऐसा है जो कि जिसे आप भूल रहे हैं, जो कि असहाय है, जिससे आप कभी बहुत प्रेम करते थे, आप उसे याद करें। कौन ऐसा है जिसे कहीं ना कहीं से आप भूल गए हैं, और जो आपसे बातचीत करता है लेकिन उसके विषय में आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं अपने घरेलू मुश्किलों के कारण, आप थोड़ा याद करें। समस्या फंसी पड़ी है वहाँ, एक बार वहाँ पर देख दें, आपकी मुश्किलें स्वतः खत्म हो जाएंगे। कई बार हमारी जिंदगी को नियति स्लो कर देती है, इसलिए भी क्योंकि कुछ हम भूल रहे होते हैं, कुछ छूट रहा होता है पीछे, उसे साथ कर लो, जिंदगी फिर से स्पीड पकड़ लेगी। ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस कोई इंसान ही है। बात करते हैं आपके शनि के, पूर्ण समृद्धि, पूर्ण रूप से विकास की तरफ बढ़ रहा है, काफी शक्ति के साथ बढ़ते चले आप। सूर्य भटक रहा है थोड़ा सा, मन भटक रहा है आपका, जानबूझ के आप सफलता से दूर जा रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी घटती जा रही है, कार्यक्षमता घटती जा रही है, तत्काल ध्यान देवे, अन्यथा अपमान के योग भी बनेंगे तत्काल 2021 में ही। बुध की स्थिति थोड़ी सी घबरा गई है, ठीक है, पत्नी की तरफ से जातक को काफ़ी सोचने विचारने की आवश्यकता यहाँ पर प्रतीत हो रही है।
हृदय रेखा की स्थिति दोनों हथेली में सामान्य तौर पर बट रही है, रेखाओं का प्रवाह बिल्कुल सामान्य है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति यहाँ पर यवलाकार स्थिति की तरफ बढ़ रही है, जो कि जातक के लिए अच्छा नहीं है। विचारों में दो तरीके के विचार हमेशा दिमाग में चलेंगे और मन कभी शांत नहीं रहेगा, ये अच्छी स्थिति नहीं है। ये मन ही मन अंदर ही अंदर आपको मारने का काम करेगा, इससे बचने की स्पष्ट कोशिश जातक की तरफ से की जानी चाहिए। भाग्य रेखा की स्थिति अच्छी है, राजयोग, विपरीत राजयोग, महालक्ष्मी योग की स्थिति जातक के लिए बनी है। गजकेसरी योग की भी स्थिति जातक के लिए स्पष्ट है और जातक को इसका भी लाभ स्पष्ट तौर पर मिल रहा है। जातक की ध्वजा कभी नीचे नहीं होगी, हमेशा फहराती रहेगी। जब भी कभी शांत होगी ना, उसकी वजह आपकी अपनी फैमिली होगी, नहीं तो आप अजेय हैं और अजेय ही रहेंगे। आगे आने वाला जीवन आपके ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला है, आपके नाम को बढ़ाने वाला है। कुछ उपाय बताए जाएंगे, उन उपायों को आप करेंगे, परिस्थिति आपके नियंत्रण में होंगी और जीवन काफी सुखपूर्वक आपका आगे बढ़ने जा रहा है। जो कुछ भी आपका निजी सवाल हो, क्योंकि आप हमारे यजमान हैं, क्लाइंट हैं, आपको जब नंबर दिया जाएगा इस वीडियो को देखने के पश्चात, उस समय आप अपने जो भी सवाल है रख सकते हैं, टू द पॉइंट आंसर किया जाएगा। बिकॉज आप इस मामले में भी लकी हैं, क्योंकि आप आए हैं रंग एस्ट्रो पर। यूट्यूब पे एकमात्र रियल एस्ट्रोलॉजी चैनल अगर कोई है तो रंग एस्ट्रो है, ये मैं हमेशा से कहता हूँ। और सारे यूट्यूब घूम के देखाओ, फिर आपको पता चल जाएगी कहानी। तो जब आप यहाँ पे आते हैं, बाकी जो व्यूवर्स भी कुछ देख रहे होंगे उनके लिए बता देता हूँ, तो अगर जीवन का रियल लाइफ जाननी हो तो आपको रंग एस्ट्रो की तरफ ही बढ़ना होता है, अन्यथा और कहीं भी आप जाते हैं तो आप जीवन के एक और झूठ से आपका परिचय होता है और आप और भी ज़्यादा अपने रास्ते से भटक जाते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।